हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तरी वाला चिकन। इसके लिए हम 750 ग्राम चिकन लिए हैं। चिकन को धोकर साफ कर लिए हैं। अब इसमें हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब मिक्स कर देंगे। अब इसको ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिक्स हो गया है, अब चलते हैं इसको बनाने। सबसे पहले तेल डालेंगे, आधा कप तेल डाल दिए हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 2 लाल मिर्च डाल देंगे, 1-2 लाल चीनी डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 5 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। तड़का हमारा अच्छे से तड़क चुका है। अब इसमें 250 ग्राम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का मोटा ही काटे थे। अब यहीं पर 1 गांठ लहसुन छीला हुआ डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुटा हुआ डाल देंगे। चला लेंगे इसको अच्छे से। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर भून लेंगे। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से सबको भून लेंगे। एक टमाटर बड़ा कटा हुआ डाल देंगे। अब सबको अच्छे से भून लेंगे। अब यहीं पे मसाला डाल देंगे। 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसमें 10-12 काली मिर्च और 4 लाल मिर्च पीस लिए हैं, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भून लेंगे। यहीं पे स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच डाल देंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे। अब कुकर बंद करके 2 सीटी लगा देंगे। देखिए 2 सीटी हो गया है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, प्याज भी गल गया है, लहसुन भी गल गया है। अब यहीं पर चिकन डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मसाले के साथ 10 मिनट तक भूनेंगे। से 20 मिनट तक चिकन को भून लिए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी आप अपना अंदाज से डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी हो गया है,
यहीं पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे टेस्ट के लिए। अब गैस बंद कर देंगे हम, ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब देखते हैं कैसे बना है चिकन। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है, देखिए देखिए तरी वाला चिकन करी बनकर तैयार हो गई है। एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी।